शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम सब मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लो, मेरे साथ मेरे राज शोणितपुर चलिए। मैं तुम सभी को अत्यंत प्रेम और सम्मान के साथ अपनी पटरानी बनाऊंगा। काना, वो असुर गोपियों का हरण कर रहा है। गोपियों, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। बाणासुर के आह्वान से अग्नि भी प्रज्वलित हो गई। अब हम सब एक साथ विवाह के साथ फेरे लेकर सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मत करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणेश, मंगलम पुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके। चकू, ये कैसे संभव है? स्त्री के आंचल के साथ विवाह कोई कैसे कर सकता है? तुलसी, एक स्त्री के आचरण में उसका मान सम्मान, लोक लाश, उसकी मर्यादा सब बसती है। इसलिए पुराणों में कहा गया है कि स्त्री का आचरण ही उसका अस्तित्व है। इसलिए यदि कोई पुरुष स्त्री के आचरण को साक्षी मानकर पूर्ण विधि के विधान से विवाह करे तो वो स्त्री उसकी विवाहिता हो जाएगी। इसका अर्थ है कि बाणासुर बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। हाँ तुलसी, और उस दिन उसके अधर्म के 6 फेरे पूरे भी हो गए थे। वो गोपियों के साथ विवाह का अंतिम फेरा लेने जा रहा था। काना, हमारी रक्षा करो। काना, करो गोपियों को यहाँ से ले। शांत हो जाओ गोपियों, शांत हो जाओ। अब उस कपटी कान्हा को बुलाने का कोई अर्थ नहीं है। देखो, सभी विधि विधान के साथ विवाह के 6 फेरे संपन्न हो चुके हैं और अब हम लेंगे विवाह का वो 7वां और अंतिम फेरा, जिसके पश्चात आप सभी कृष्ण की गोपियां बाणासुर की पटरानियां बनेंगी। किसने किया ये दुस्साहस? कौन है वो जिसने मेरे हवन कुंड की अग्नि को बुझाकर बाणासुर के विवाह में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है? सामने आओ। काना, 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 कृष्ण, काना, काना, हमारी रक्षा करो। काना, तुम निश्चिंत रहो गोपिया। काना, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। काना, बाणासुर, भूल मैंने नहीं तुमने की है, गोपियों का हरण करके। उचित कहा तुमने काना, गोपियों का हरण तो मैंने किया है, किंतु मेरे कुछ ना किए ही तुम मुझे उपहार स्वरूप में मिल गए। ये तुम्हारा वृंदावन नहीं है, ये मेरा शोणितपुर है। यहां तुम आ तो गए हो लेकिन अब जा नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार मेरा सभी गोपियों के साथ विवाह संपन्न हो गया, उसके पश्चात तुम बनोगे मेरी दास। दास तो तुम पहले ही बन चुके हो बाणासुर अधर्म के, और तुम्हें नहीं ज्ञात कि मेरी गोपियों का हरण करके कितना बड़ा अनर्थ किया है तुमने। क्योंकि गोपियां केवल मेरे इस अवतार की साथी नहीं, अभी तो मेरे जन्म जन्मांतर की भक्त है।
और मेरे भक्तों पर संकट बनने वालों के लिए एक ही दंड है, मृत्यु दंड। तो अब एक बालक देगा बाणासुर को मृत्यु दंड? नहीं बाणासुर, तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित दिया है अपने पापमय कर्मों से। मैं तो केवल कारक हूँ, मैं तो केवल तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा, मृत्यु फल। बाणासुर, गोपियों का हरण करके बहुत बड़ा नर्क किया है तुमने मेरे प्रभु। मेरे आराध्य को शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया है और सुदर्शन चक्र से संसार का कोई भी पापी बच नहीं सकता। आज तुमने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है बाणासुर। एक और मेरे प्रभु है, मेरे आराध्य है, दूसरी ओर मेरा दिया हुआ वचन है, किंतु मुझे अपने वचन की रक्षा करनी होगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने आराध्य से युद्ध क्यों ना करना पड़े। नहीं 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 काना, नहीं, मुझे क्षमा कर दो। मैं जानता हूँ तुम केवल भयभीत होने का दिखावा कर रहे हो, तुम्हें अपने पाप का कोई भूत नहीं, इसलिए तुम्हारा अंत निश्चित है बाणासुर। सत्य कहा तुमने, मुझे न तुम्हारा भय है, ना ही तुम्हारे उस सुदर्शन चक्र का, और ना ही इस संसार में किसी का, क्योंकि जिसके रक्षक स्वयं महाकाल हो उसका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे महादेव, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? आइए प्रभु और रक्षा कीजिए अपने भक्त की। बाणासुर, महादेव धर्म की रक्षा कभी नहीं करेंगे, इसलिए आज तुम्हारा और तुम्हारे इस अहंकार और अधर्म सबका अंत होगा। प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था प्रभु, अपना वचन निभाइए प्रभु। हे परम अवतार श्री कृष्ण, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु आपको अपना सुदर्शन चक्र वापस लेना होगा। महादेव, ये आप क्या कह रहे हैं? एक धर्मी की रक्षा कैसे कर सकते हैं आप? श्री कृष्णा, बाणासुर मेरे पुत्र समान है, मैंने उसकी रक्षा का वचन दिया है और मुझे अपना वचन निभाना ही होगा, और यही संसार के हित में होगा कि आप अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लीजिए। आप अपने वचन से बंधे हैं, वैसे ही मैं भी गोपियों को दिए हुए वचन से बंधा हूँ। बाणासुर ने गोपियों का हरण कर वो महापाप किया है जिसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। श्री कृष्ण, आप ही कहते हैं ना कि पूर्व में किए गए कर्म कभी निष्फल नहीं होते, तो इतना समझ लीजिए कि बाणासुर ने जो कार्य किए हैं उससे उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर महादेव, बाणासुर पापी है, अधर्मी है, वो जीवित रहेगा तो संसार में केवल धर्म ही करेगा, इसलिए संसार, भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए उसका अंत आवश्यक है महादेव। और ईश्वर के रूप में आप ये बात भलीभांति जानते हैं। हे श्री कृष्ण,
मैं यहाँ ईश्वर के रूप में नहीं, एक रक्षक के रूप में आया हूँ। मैं एक पिता के रूप में एक पुत्र की रक्षा करने आया हूँ, और संसार की कोई भी शक्ति मुझे इससे रोक नहीं सकती, आप भी नहीं श्री कृष्ण। महादेव, मेरा ये अवतार ही अधर्म के विनाश के लिए हुआ है। मैं महापापी को किसी भी स्थिति में जीवित नहीं छोड़ सकता, चाहे उसकी रक्षा आप ही क्यों ना कर रहे हो। तो फिर आपको मुझसे युद्ध करना होगा। आप मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रभु हैं, पर अब युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है मेरे सम्मुख, क्योंकि मैं बाणासुर की रक्षा के धर्म से बंधा हूं। महादेव, फिर आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। बाणासुर का अंत तो आज होकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। प्रभु, तो क्या एक अधर्मी की रक्षा करने के लिए स्वयं देवों के देव महादेव, इस संसार की रक्षा करने के लिए विषपान करने वाले शिव ने आपसे युद्ध किया? हाँ तुलसी, क्योंकि वो विवश थे, महादेव अपने वचन और वरदान से बंधे हुए थे। वे जानते थे कि बाणासुर ने महापाप किया है, पर यदि वो बाणासुर का अंत होने देते तो वचन की महिमा समाप्त हो जाती, वरदान का महत्व समाप्त हो जाता। इसलिए मुझे और महादेव को अपने अपने धर्म पालन के लिए युद्ध करना पड़ा। हे वासुदेव, हमारे युद्ध का एक ही अर्थ है, इस सृष्टि का विनाश। इसलिए अपना हट त्याग दीजिए, क्षमा कर दीजिए बाणासुर को। महादेव, क्षमा उसे किया जाता है जो क्षमा के योग्य हो, जिसमें अपने कर्मों के लिए पश्चाताप हो। पर बाणासुर अपने अधर्म के अहंकार से भरा हुआ है। यदि वो जीवित रहा तो ये संसार अधर्म के अधीन हो जाएगा, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा महादेव। और मैं अपने वरदान को खंडित नहीं होने दे सकता, इसलिए शस्त्र उठाइए और मुझसे युद्ध करिए प्रभु। सूर के समान ही आपने अंधक को भी अपना पुत्र माना था, किंतु फिर उसका अधर्म इतना बढ़ गया कि आपको स्वयं उसका वध करना पड़ा। क्योंकि यही नियत था प्रभु, ब्रह्मदेव ने अंधक को वचन दिया था कि उसका अंत मेरे ही हाथों होगा, इसलिए मुझे अंधक का अंत करना ही पड़ा। महादेव, आपके संरक्षण के कारण ही अंधक का उत्साह इतना बढ़ गया कि उसने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली थी। आज वही स्थिति बाणासुर की भी है, उसका धर्म गोपियों से विवाह करने पर भी नहीं रुकेगा। महादेव, अभी तो ये बाणासुर के अधर्म का आरंभ भर है, इसलिए मत रक्षा कीजिए ऐसे अधर्मी की। मैं विधि के विधान से बंधा हूं, क्योंकि जो मेरी भक्ति करता है मुझे उसका फल देना ही होता है, फिर चाहे वो देवता हो या असुर हो या रावण हो या श्री राम हो, मैं अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हट सकता प्रभु। महादेव, इन साधारण शस्त्रों से बाणासुर के भाग्य का निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए उठाइए अपना पिनक धनुष और सामना कीजिए मेरे सरंग धनुष का।
गोपियों, एक बात ध्यान से सुनो, महाकाल से कोई भी जीत नहीं सकता, तुम्हारा वो कृष्ण भी नहीं। बस कुछ समय की बात है, उसके पश्चात तुम्हारा वो कपटी कृष्ण पराजित होगा और मैं तुम सभी के साथ विवाह का वो अंतिम फेरा लूंगा, जिसके पश्चात तुम सभी गोपियां बाणासुर की पटरानियां बनोगी। संसार को विनाश की ओर ले जा रहा है, इससे लाभ केवल अधर्म को होगा, बाणासुर को होगा। क्षमा करें प्रभु, पर जिस तरह आपने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ की रक्षा के लिए मेरे नागों का विनाश किया था, उसी तरह मुझे भी बाणासुर की रक्षा करनी होगी। महादेव, वह स्थिति दुस्ती थी, वह नागों और गरुड़ों के अस्तित्व का युद्ध था, परंतु यह अहंकार और अधर्म की लड़ाई है। एक पापी जो बलपूर्वक स्त्रियों से विवाह करना चाहता है, इसलिए अब भी समय है, धर्म का साथ दीजिए, अंत करने दीजिए मुझे बाणासुर के अधर्म का। वासुदेव, अब समय आ गया है कि हम अपने अपने अंतिम शस्त्रों का प्रयोग करें। मेरे त्रिनेत्र की अग्नि और आपके सर्वशक्तिशाली सुदर्शन चक्र के द्वारा ही हम अपने अंतिम निर्णय तक पहुंच सकते हैं। महादेव, तो खोलिए अपना त्रिनेत्र, क्योंकि जब तक मैं गोपियों का हरण करने वाले बाणासुर का अंत नहीं कर देता, मैं किसी भी स्थिति में नहीं रुकूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने आराध्य महाकाल पर ही सुदर्शन चक्र क्यों ना चलाना पड़े। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अपने कान्हा का अंतिम बार स्मरण कर लो गोपियों, क्योंकि अब महादेव का तीसरा नेत्र खुलने जा रहा है और महादेव के त्रिनेत्र की अग्नि के समक्ष जो कोई भी आता है भस्म हो जाता है। और अब तुम्हारा वो कृष्ण भी भस्म हो जाएगा। कितना आनंद आएगा वो दृश्य देखने में। आज महादेव और परम अवतार श्री कृष्ण ने ये क्या निर्णय ले लिया? यदि आज ये घटित हो गया तो महादेव के त्रिनेत्र की अग्नि और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मुझे इस विनाश को रोकना ही होगा। हे महादेव, हे वासुदेव कृष्ण, रुक जाइए प्रभु, इस अनर्थ को रोक दीजिए।
सूर्यदेव, ये स्त्रियों के सम्मान की बात है, मुझे गोपियों के लाज की रक्षा करनी ही होगी। इसलिए मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकता सूर्यदेव, और मैं अपने दिए हुए वरदान को खंडित नहीं होने दे सकता। प्रभु, आप पालन करता है और आप संहार हरता। यदि आप दोनों एक दूसरे से युद्ध करेंगे तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यदि सृष्टि ही नहीं होगी तो ना धर्म होगा, ना भक्ति और ना वचन। इसलिए मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं कि अपने इस महायुद्ध को यहीं विराम दीजिए। आप दोनों अपने अपने शस्त्र को वापस ले लीजिए। प्रभु सूर्यदेव, यदि मैंने अपना शस्त्र वापस ले लिया तो बाणासुर अपने धर्म से इस सृष्टि का विनाश कर देगा। इसलिए ये मेरे लिए संभव नहीं है सूर्यदेव। और मैं भी विवश हूँ सूर्यदेव, बाणासुर की रक्षा करने के लिए। प्रभु, मैं संपूर्ण संसार को आलोकित करता हूँ, मैं ही संसार में समय निर्धारित करता हूँ। इसीलिए मैं आप दोनों को वचन देता हूँ, ना आपका धर्म और ना आपका वचन खंडित होने दूंगा, ना ही बाणासुर आज के पश्चात इस संसार में कोई अधर्म करेगा और ना ही आज उसका अंत होगा। इसीलिए इसका उत्तरदायित्व स्वयं मैं लेता हूँ। इसीलिए हे महादेव, आप अपने त्रिनेत्र की क्रोधाग्नि को शांत कीजिए। हे वासुदेव, आप अपने सुदर्शन चक्र को वापस लीजिए। ठीक है सूर्यदेव, यदि आप इसका उत्तरदायित्व लेते हैं कि आने वाले समय में गोपियों के साथ हुए अधर्म का दंड बाणासुर को मिलेगा, तो मैं अपना सुदर्शन चक्र वापस लेता हूँ। यदि बाणासुर के जीवन पर कोई संकट नहीं है तो मेरा भी युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं। मृत्यु हुई थी, इसलिए तुम्हें उसका पिंड दान करना होगा। केवल तभी पुतना सदा के लिए संसार से मुक्त हो सकती है। पुतना एक राक्षसनी है, हम कैसे करेंगे उसका पिंड दान? तुम्हारे प्रभु तो गए पाताल लोक, पर तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उन्होंने हमें बता दिया है। लेकिन इस बार तुम्हारी और तुम्हारे भगवान की जीत नहीं होगी। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।